ये जो स्कूल के 60 टीचर्स आए हैं इनसे गुजारिश है जो भी तुम्हारे साथ सामने समझ ज्वाइन करने की आमादगी जाहिर की भाई फोटोग्राफर और फिर आपके वो असतुजा आपके वो वालिदैन आपके वो स्कूल इंतजामिया जिसने आपको मोटिवेट किया और इस गेम तक पहुंचने में यहाँ से निकाल देंगे मैं भी मीडिया में हूँ मैं ये नहीं कह रहा आप मीडिया सबके बाद जो हमारे लिए शुक्रिया का एजाज रखते हैं वो हमेशा की तरह हमारे हर दिल अजीज मोहतरम सैयद अख्तर मीर साहब के जिनकी मुसलसल कोशिशों से सिंध में अब माशाल्लाह स्काउटिंग और खास तौर से गर्ल्स स्काउटिंग बहुत ज्यादा फल फूल रही है और बहुत ज्यादा जो है वो अब इसके यूनिट्स कायम होना शुरू हो गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान कैंप के इनेकाद में मुकम्मल तौर पर मौजूद रखा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध डॉक्टर मंसूर हुसैन सिद्दीकी साहब का जिन्होंने हमेशा की तरह ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन को है जो हमारी दावत पर यहां तशरीफ लाए। हमें यकीन है कि यूथ डेवलपमेंट के हवाले से वर्ल्ड स्काउट डे के हवाले से और पहला सिंध गर्ल्स आपके मोतबर जराए अबलाग के जरिए ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा कि कराची में सिंध भर की तालिबात ने अपना यूथ एंड वॉलंटियर स्काउट ट्रेनिंग कैंप वर्ल्ड स्काउट डे के हवाले से मुनक्किद किया। यहां पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन मेजबानों का जो आपके लिए कई हफ्तों से मसरूफ़े अमल रहे। इस कैंप के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मोहम्मद सलीम साहब जो कि खुद वाइस चेयरमैन भी हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, इसी तरीके से एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल दोस्त मोहम्मद दानिश साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एजाज काशिफ साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद साहब और कोर कमेटी के मेंबर अशफाक अहमद साहब, यकीनन मेरे शुक्रिया के मेरी मुबारकबाद के बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा को भी खास तौर से इस ओपनिंग सेरेमनी में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, जो कि खुद जाती तौर पर
यहाँ तशरीफ लाए और अपनी बच्चियों को भी उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत करवाई। कैंप वॉलंटियर्स का है और तीसरा ये कैंप स्काउट्स का है। तीनों अल्फाजों के लिए मैं अपनी तरफ से आप तमाम तालिबात को आज के हवाले से ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप इन दो दिनों में इन तीन अल्फाजों को सीख कर भी जाएंगे, ट्रेन होकर भी जाएंगे। जब जब आपसे यूथ की बात की जाए तो यूथ का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, ताकत, तवानाई, सलाहियत, जोश, जज्बा, उम्मीद, हौसला। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब भी आपके सामने यूथ का लफ्ज आएगा, आप यूथ हैं, आप इस कौम का नौजवान हैं, आपने अपने आप को, अपनी यूथफुलनेस को एक ही पैगाम देना है कि यूथ का मतलब होता है यस आई कैन रदर के आई कैन नॉट। यूथ का मतलब यस आई कैन। तो हमेशा जिंदगी की डायरी में सबसे ऊपर ये लिखकर रखिए कि यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और इसके बाद वॉलंटियर का लफ्ज जब जब आए तो आप अपने आप से वॉलंटियरशिप की ये बात आसानी से कर सकते हैं। खुद कलामी कीजिए, अपने से बात कीजिए और कहिए कि यस आई कॉन्ट्रीब्यूट। सबसे पहले तो मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं और कोशिश करूंगा कि बहुत मुख्तसर बात करूं, क्योंकि ऐसे माहौल में दिल को बड़ा चाहता है बात करने का, लेकिन मसला यह है कि बच्चियां जिस तरह धूप में बैठी हैं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उनको और ज्यादा धूप में बैठाना। तो बहुत छोटी बात करूंगा और ये तकरीर जो है वो तकरीर नहीं है बल्कि चंद एक बात है। जब कैंप साइट आता हूँ और नए बच्चों को देखता हूँ तो एक शेर हमेशा याद आता है, नए दीवानों को देखकर खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो हमारी इस ग्राउंड से नस्बत तकरीबन 25-30 साल पुरानी है और हम भी बहुत ही नौजवानी में यहां पर आए थे, दूर दूर तक यहां पर आबादी नहीं थी जबकि बात करें। खैर, जहां तक आज के इस प्रोग्राम की का ताल्लुक है, मैं बहुत ज्यादा सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और सिंध स्कूल कॉलेज एसोसिएशन को, हैदरअली साहब, दानिश साहब, उनकी पूरी टीम और ख़ास तौर पर सलीम साहब को और अख्तर मीर साहब, मेरा ख्याल में कोई 25-30 साल पुराने दोस्त हैं, उनको भी कि उन्होंने इसको पेट्रनाइज किया और इसको अपनी बीमारी के बावजूद इसको स्पॉन्सर करने के किया और यहाँ पर मौजूद है, मुझे पता है इनकी तबीयत खराब है। और इसके अलावा पाकिस्तान एक्टिव सोसाइटी का जो है, मैं उसकी कोई डेफिनेशन या तभी उसकी पब्लिसिटी में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये बताऊँ कि यूथ के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें कैंपिंग भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और यूथ डेवलपमेंट में खासतौर पर स्कूल्स को हम ज्यादा टारगेट्स करते हैं और उसके बाद कॉलेजेस को। पाकिस्तान, अब एक छोटी सी दूसरी बात करता हूं कि पाकिस्तान बनने के बाद स्कूली कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सरकार जो है वो अपने बहुत ज्यादा ह्यूज मसाइल का शिकार थी, लेकिन उन्होंने दो चार बड़े जबरदस्त काम किए। हमारे जो लीडर हैं उन्होंने स्काउटिंग की बुनियाद रखी, रेड क्रॉस की बुनियाद रखी जो रेड क्रिसेंट है, उन्होंने वेल गाइड्स की बुनियाद रखी, बाद में अकवा बनाई और फिर एनसीसी की बुनियाद रखी। ये वो तमाम इदारे उन्होंने बनाए
जो कम्युनिटी की, आम लोगों की और आवाम की तालीम और तरबियत के लिए बनाई गई। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद और सलाम ज़ाते ग्रामी पर जो मेरे तख्लीक कायनात फासम मौजूद है। प्यारी बच्चियों, गर्ल्स इन स्काउटिंग से वाबस्ता बच्चियों, वॉलेंटियर, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब बॉय स्काउट एसोसिएशन के इस ट्रेनिंग सेंटर पर जो 1964 से कायम है कैंपिंग के लिए तशरीफ लाएं और इस खूबसूरत तकरीब में कमर वसीम साहब रेड क्रेसेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल मेहमान खुसूसी हैं, हैदर अली साहब, इन्होंने एक हमसे कमिटमेंट की थी कि सिंध के प्राइवेट स्कूलों में स्काउटिंग तक स्काउटिंग को फैलाएंगे और मैं समझ रहा हूँ कि हैदर भाई अपनी कमिटमेंट पे भरपूर तरीके से उतर रहे हैं। सलीम साहब, दानिश साहब और एजाज साहब और उनकी एक बड़ी अच्छी टीम है जो ये काम कर रही है। बेटा, आप सबको मैं शाबाश देना चाहता हूँ, आप सुबह से मौजूद हैं, आप सब अपना हाथ उठाएं। आपको पता है शाबाश कैसे देते हैं? अपनी पीठ थपथपाएंगे ना, तो आप अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे। मैं दो मरतबा बोलूंगा शाबाश शाबाश, आप एक मरतबा जोर से बोलिए शाबाश और अपने आप को थप्पी दीजिएगा। तैयार है? आवाज नहीं आई, तैयार है? शाबाश शाबाश, दोबारा शाबाश।